भगवान दत्तात्रेय हैं। अब दत्तात्रेय कौन से भगवान हैं? तो थोड़ा स्मरण में आना चाहिए, ये त्रेता युग में जब एक ऋषि से अत्र मुनि उनकी ऋषि पत्नी थी अनसूया, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मन में उनके सतीत्व के बारे में परीक्षा लेने की इच्छा हुई, तो वह उनके आश्रम को गए, अपनी बात रखी। तो जो ऋषि पत्नी अनसूया थी उन्होंने स्वीकार किया, उनके शर्त को स्वीकार किया और अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवताओं को छोटे छोटे बाल रूप में परिवर्तित कर दिया। अब वह तीन रूप थे इसलिए ये त्रेय शब्द लगा हुआ, तो यही तीन देवताओं की मूर्ति इनके घर में थी, इनकी माता जी उनकी पूजा करती थी और इन्हीं भगवान की कृपा से जब ये बालक हुआ तो इसका नाम दत्तात्रेय रख दिया गया। अब क्योंकि देवताओं के आशीर्वाद से हुए थे तो न तो वहां बुद्धि की कमी थी, न साहस की कमी थी, न आत्मबल की कमी थी, सब कुछ तो इनके पास था। और जब सब कुछ था तो जो भी इनको काम मिलता उसमें ही आगे होते, पढ़ने में साग बुद्धि के थे, इन्होंने स्नातक की परीक्षा दी, उसके बाद एलएलबी का अध्ययन किया और उसी समय सन 1942 में ये संघ के संपर्क में आए। संघ के विचारों से प्रभावित हुए, क्रियाकलापों से प्रभावित हुए और धीरे धीरे इनके मन में संघ के प्रति अपार श्रद्धा पैदा हो गई और इन्होंने फिर प्रचारक बनने का कार्य स्वीकार कर लिया। और कहते हैं प्रारंभ में ही ये केरल को गए थे, एलएलबी थे, अंग्रेजी भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था, राज्य की अंग्रेजी बोलते थे। केरल में आज भी अपने देश के जो विभिन्न प्रांत हैं उन सभी प्रांतों से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग केरल में हैं। तो इनको वहाँ संघ कार्य करने में कोई विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ, यद्यपि नए थे फिर भी संघ के संपर्क में रहने के कारण और संघ के लोगों में ये व्यक्तित्व कौशल तो होता ही है, इनके अंदर एक निर्भीक व्यक्तित्व और एक चुंबकीय व्यक्तित्व, ये जिससे बात करते थे बात करते करते ये उसको अपनी बातों में प्रभावित जरूर कर लेते। कहते हैं धीरे धीरे वहां पर इन्होंने मलयालम भाषा भी सीख ली जो वहां की एक राज्य भाषा है और उस भाषा के सीखने के कारण इनका समाज में लगाव बढ़ता गया, जान पहचान बढ़ती गई और संपर्क बढ़ता गया। ये लगभग थे इसलिए एक वहां पर वकील साहब रहते थे उनसे इनका संपर्क हुआ, ये संघ कार्य करते थे और शाम को आकर के वकील साहब के यहाँ रहते थे। वकील साहब कुछ दूसरी विचारधारा से प्रभावित थे, इनको वकील साहब ने जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी होती थी उस गैराज में कहा था कि यही लेट जाया करना,
संघ के लोग ये घोड़ो देखते हैं, कहीं भी मिल जाए सोने को, सोने से मतलब वो गैराज में रहने लगे।